हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रोशन बंडे, आपका मेरे चैनल पे स्वागत कर रहा हूं। आज सातवां दिन फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं। फिजिक्स के हज़ार क्वेश्चन करने का हमने बीड़ा उठाया हुआ है, हज़ार क्वेश्चंस। तो ये हज़ार क्वेश्चंस के अलावा शायद ही कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, तो बिल्कुल वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये वीडियो सीरीज चल रही है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल कंटिन्यूसली इसको आप देखते रहिए और मुझे कमेंट्स में बताते रहिए आपको और एडिशनल क्या चाहिए, मैं आपके लिए ज़रूर वो चीज़ लाऊंगा, लेके आऊंगा एडिशनल चीज़। ठीक है, सो अभी शुरुआत करते हैं 91st क्वेश्चन से। ये 91st क्वेश्चन है। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एल्टीट्यूड्स इन एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में यहाँ पे ऑडीमीटर पहला ऑप्शन है। आज हाँ, ये भी एक बार आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि आज जो हम क्वेश्चंस देख रहे हैं, 10 ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज के वीडियो में, जिसमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में दिया है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। इसका मतलब ये 10 क्वेश्चन के बेसिस पे हम 40 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। वो कैसे आपको अभी समझेगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन दिया है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द एल्टीट्यूड इन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में एल्टीट्यूड मेजर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का इस्तेमाल हम करते हैं हियरिंग क्वालिटी को मेजर करने के लिए, हियरिंग क्वालिटी। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड का कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द हियरिंग क्वालिटी, आंसर विल बी ऑडियोमीटर। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन में हमने एक दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ लिया। ठीक है, एमीटर, एमीटर इज यूज टू मेजर करंट। ठीक है, तो सवाल ऐसा भी आ सकता है, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर करंट, तो हमारा आंसर रहेगा एमीटर। ये देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमने पढ़ दिया। नाउ एल्टीमीटर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एल्टीमीटर इज यूज टू मेजर द हाइट, दैट इज एल्टीट्यूड। ठीक है, दैट इज एल्टीमीटर, जो प्लेन में यूज होता है। सो ऑप्शन सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बट एनेमोमीटर क्या होता है? डिवाइस इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द विंड। विंड की स्पीड मेजर करने को जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं एनेमोमीटर। ठीक है, यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड। सो ऑप्शन डी, ए बी एंड ए, ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमको पता चल गए। ठीक है, सो एक पहले क्वेश्चन में हमको चार क्वेश्चन मिल गए, समझ में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन में चार क्वेश्चन मिल रहे हैं, मतलब 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन मिलने वाले, 40 क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन का सेट है आज का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सभी ऑप्शंस को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, सो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन। ओशन की डेप्थ मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? तो पहला ऑप्शन जो है, इट्स अ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी करंट यूज मेजर करने के लिए यूज होता है, लेकिन वो करंट बहुत ही छोटा होता है, माइक्रो एम्पियर्स में होता है, वहां गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको अगर सवाल पूछा जाएगा विच डिवाइस इज यूज टू मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, तो आपका आंसर रहेगा गैल्वेनोमीटर। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है डेप्थ ऑफ ओशन, तो गैल्वेनोमीटर इसका आंसर नहीं हो सकता है। फ्लक्समीटर, फ्लक्समीटर ऐसा मीटर है, ऐसा डिवाइस है जो हमको, जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसका, परमानेंट मैग्नेट का फ्लक्स, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, मेजर करने के लिए जिस मीटर का इस्तेमाल होता है, दैट यूनिट, दैट मीटर इज फ्लक्स मीटर। ठीक है, सो फ्लक्स मीटर भी इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ठीक है, एंडोस्कोप, एंडोस्कोप इज अ डिवाइस विच गोज इनसाइड द बॉडी टू चेक इनसाइड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी, है ना। तो एंडोस्कोप भी इसका आंसर नहीं हो सकता है, तो आंसर विल बी फैथोमीटर। फैथोमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन। ठीक है, फैथोमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए, एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल होगा? तो यहाँ पे पहला दिया है बैरोमीटर। सो बैरोमीटर ही इसका आंसर है। इट इज यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बैरोग्राफ क्या होता है? तो बैरोग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जो कंटिन्यूअसली रनिंग रहता है, जिसमें हमको एटमोस्फेरिक में प्रेशर में जो चेंजेस हो रहे वो एक ग्राफ पे दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे वो ग्राफ होता है, इट्स नॉट अ मीटर, तो ये आंसर नहीं होगा। राइट, बोलोमीटर इज अ मीटर विच यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये बोलोमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
रेडिएशन को मेजर करने के लिए काम में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, कैलिपर्स ये दो एंड के बीच में कितना डिस्टेंस है ये मेजर करने के लिए काम में आता है। आपने सुना होगा वर्नियर कैलिपर, इट इज दैट थिंग। सो बैरोमीटर इसका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। सो पावर जो होता है इट इज नथिंग बट दैट कंजम्पशन कितना हो रहा है ये मेजर करने के लिए काम में आता है। सो वोल्टमीटर तो वोल्टेज चेक करने के लिए काम में आता है या वोल्टेज गिनने के लिए काम में आता है वोल्टेज। वैट मीटर इज द आंसर, वैट मीटर जो है वो इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करने के लिए काम में आता है। वेव मीटर जो होता है इट इज यूज टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आप इसको याद रखिए। वेव मीटर इज यूज टू मेजर द फ्रीक्वेंसी, वेव मीटर फ्रीक्वेंसी मेजर करता है ना कि वेवलेंथ, आप इसको याद रखिए। ठीक है, विस्कोमीटर जो होता है इट इज यूज टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, विस्कोसिटी कितना विस्कस है लिक्विड ये मेजर करने के लिए काम में आता है विस्कोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वॉट मीटर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन सबमरीन टू सी द ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि ये सी लेवल है, सबमरीन यहाँ कहीं होगी, तो हमें यहाँ ऊपर का देखने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो डायग्राम है इसके बेसिस पे काफी लोगों को समझ में आ गया होगा कि आंसर विल बी पेरिस्कोप। ठीक है, तो इसका आंसर तो पेरिस्कोप है, लेकिन देखते हैं बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो हमें क्या बता रहे हैं। तो पाइकोमीटर जो होता है वो अपने को डेंसिटी मेजर करने के लिए काम में आता है। ठीक है, पाइकोमीटर इज यूज टू मेजर द डेंसिटी, आप याद रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पाइकोमीटर। पॉलीग्राफ ये झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है, ठीक है, जो पुलिस इस्तेमाल करती है। ठीक है, ये वो डिवाइस है। फोटोमीटर जो होता है इट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी कितनी, प्रखरता कितनी लाइट की एक पर्टिकुलर जगह पे, वहां पे इसका इस्तेमाल होता है फोटोमीटर का। ठीक है, तो ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन जिसका आंसर है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप ऐसा डिवाइस होता है जहां पे अगर हम यहाँ पे है और हमें ये साइड का कुछ देखना है तो यहाँ से एंटर करके हमको यहाँ दिख जाएगा। एक्चुअली फिजिकली हमें यहाँ पहुँचने की जरूरत नहीं, हम यहीं से देख सकते हैं, दैट इज पेरिस्कोप। जनरली ये इस शेप में होता है, आप लोगों ने इसको शायद देखा भी होगा। ठीक है, इस शेप में होता है। देखते हैं आगे, सिक्स क्वेश्चन पूछ रहा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। राइट, तो यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोप दिया है, तो स्पेक्ट्रोस्कोप ये स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करने के लिए काम में आता है। ठीक है, स्पेक्ट्रा मतलब होता है व्हाइट लाइट जब कंपोनेंट कलर्स में डिवाइड होता है तो वो जो बनता है दैट इज स्पेक्ट्रा, वो स्पेक्ट्रा मेजर करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोप काम में आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हो सकता। नाउ स्पेरोमीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, एंड स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज टू स्प्लिट द लाइट इन स्पेक्ट्रा, ये लाइट को स्प्लिट करता है, ये स्प्लिट करने का काम करता है और ये मेजर रिकॉर्ड करने का काम करता है, ये दोनों में अंतर है। सेक्सटैंड इज द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू विजिबल ऑब्जेक्ट्स। सेक्सटैंड ये मेजर करता है एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू, एंगुलर डिस्टेंस मेजर करता है, आप इसका ध्यान रखिए, इट्स एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू विजिबल ऑब्जेक्ट्स। जनरली ये नेवल शिप में यूज होता है। ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, इज बी। सेवेंथ क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड द फिजिकल हैपनिंग एट अ डिस्टेंट प्लेस। ठीक है, तो इसका आंसर टेलीमीटर है। ठीक है, ये क्यों है बाद में बात करते हैं, पहले देख लेते हैं थर्मोस्टैट क्या बताता है। तो थर्मोस्टैट ये एक ऐसा डिवाइस है जो टेम्परेचर मेजर करता है, टेम्परेचर मेजर। तो आपको अगर पूछा जाए कभी जीवन में सवाल आया कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल होता है, तो आंसर विल बी थर्मोस्टैट। राइट, टोनोमीटर इज यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ लिक्विड इनसाइड द आई। अपनी आंखों के अंदर भी लिक्विड होता है, उस लिक्विड का प्रेशर मेजर करने का काम कौन करता है, टोनोमीटर। टेलीमीटर क्या करता है, तो टेलीमीटर ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए काम में आता है। मान के चलिए यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, विदाउट फिजिकल मेजरमेंट एक जजमेंट लेने के लिए हमको काम में आता है
कितने डिस्टेंस पे ये है दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट इज टेलीमीटर। अगर ये मूव हो रहा है तो डिस्टेंस इसके बीच में कंटिन्यूसली चेंज होगा, तो दैट इज फिजिकल हैपनिंग, तो ये टेलीमीटर रहेगा। नाउ ट्रांसपोंडर क्या होता है? तो ट्रांसपोंडर ऐसा डिवाइस होता है जो सिग्नल को रिसीव करके, पर्टिकुलरली रेडियो सिग्नल को रिसीव करके आगे पर्टिकुलर कोई एक मैसेज ट्रांसफर करने का, खुद से ऑटोमेटिकली खुद से एक मैसेज ट्रांसफर करने का काम जो डिवाइस करता है उसे हम कहते हैं ट्रांसपोंडर। ठीक है दोस्तों, सो 7, 4, 28 हमने क्वेश्चंस कवर कर दिए, 7 क्वेश्चन में 28 क्वेश्चन अभी तक के, ठीक है, अभी आगे देखते हैं। 8 क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन ए लिक्विड। तो किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस स्कैटरिंग हो रहा है कहीं पे, तो उसको मेजर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो पायरोमीटर से शुरुआत करते हैं। पायरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो सरफेस का टेम्परेचर मेजर करने में काम में आता है, सरफेस टेम्परेचर, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। ऑन्डोमीटर, ऑन्डोमीटर वेवलेंथ यूज, वेवलेंथ मेजर करने के लिए काम में आता है, वेवलेंथ। थोड़े ऊपर के क्वेश्चन में हमने एक वेव मीटर देखा था, वो फ्रीक्वेंसी मेजर करता था ना कि वेवलेंथ। हमें वेव देख के ऐसा लगेगा वेवलेंथ मेजर करता होगा, नहीं, वेवलेंथ मेजर करने का काम करता है ऑन्डोमीटर, ठीक है। ओम मीटर रेजिस्टेंस मेजर करने का काम करता है, तो आंसर बचा क्या, नेफेटोमीटर। तो नेफेटोमीटर जो होता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए यूज होता है। चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन बोल रहा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ द कलर, ठीक है। कैथेटोमीटर, कैथेटोमीटर वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करने में काम में आता है, जहां पहुंचना नहीं जा सकता है वो वर्टिकल डिस्टेंस कैथेटोमीटर मेजर करता है। क्रोनोमीटर ये टाइम मेजरिंग डिवाइस है, एक्यूरेट टाइम मेजर करने के लिए क्रोनोमीटर यूज होता है। कलरीमीटर ये कलर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, सो कलर से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन सी। कम्यूटेटर करंट को रिवर्स करने के लिए काम में आता है, इट्स नॉट अ मेजरिंग डिवाइस, ठीक है, करंट को रिवर्स करने में काम में आता है, पर्टिकुलरली जनरेटर में या मोटर में। देन विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, चेंज वॉल्यूम में कोई चेंज होता है ये हम कैसे जज कर पाएंगे, कौन सा मीटर है? डायनेमो होता है जो डीसी करंट जनरेट करके देता है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता है, राइट। नाउ डायलेटोमीटर ये बताता है वॉल्यूम में क्या चेंजेस हो गए, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। साइक्लोट्रॉन वो डिवाइस होता है जो किसी पार्टिकल को एक्सेलरेट करके जोर से फेंक सकता है, थ्रो कर सकता है, दैट इज साइक्लोट्रॉन। इलेक्ट्रोस्कोप हमको चार्जेस की इंटेंसिटी बताने के लिए काम में आता है, ठीक है। एक वैक्यूम के अंदर यहाँ पे गोल्ड प्लेट्स रहती है, और यहाँ पे चार्जेस अगर हमने डिस्चार्ज कर दिए, यहाँ दे दिए चार्जेस, तो ये डिस्टेंस कितना कवर करती है उसके बेसिस पे चार्जेस को मेजर करता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्कोप, चार्जेस से रिलेटेड है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये, दसों के दसों, 10 क्वेश्चन का इस्तेमाल करके हमने 40 क्वेश्चन सीख लिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लाऊंगा दोस्तों, आप बस लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अच्छे अच्छे या बुरे बुरे जैसे भी आपके मन में कोई कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स लिख दीजिए बिना सोचे, ठीक है।